देखिए, जो थोड़ा बहुत सुधार आया था ओडिया फिल्म को लेके, वो अभी इस टाइम वो सुधार फिर से वही दोबारा जो इंडस्ट्री में हुआ करता था वही चीज़ें होने लगा है। क्योंकि अभी के टाइम पे एक फिल्म आने वाला था, भाई फिल्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप मचा के रखा हुआ था। तो वहीं पे अगर बात करें, उसका कोई ट्रेलर या टीज़र का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं पे लोग बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ हो रहे हैं। जो फिल्म का हाइप था, सबसे बड़ी बात, वो हाइप कम होते हुए नज़र आ रहा है हमें। अगर बात करें इस फिल्म के मेकर्स को लेके, कोई भी सीरियस नहीं दिखाई दे रहा कि लोग सीरियस है इस फिल्म को लेके। और देखिए, मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लग रहा है कि एक फिल्म था, जो फिल्म आया दमन था, दमन मालगिरी प्रतीक्षा, ऐसे जो फिल्म था आया था, और ये फिल्म क्या हुआ था कि ओडिशा जो इंडस्ट्री है उसको चेंज करने के लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं जो चेंज कर सकता है, ऐसे काफ़ी सारे फिल्म होना चाहिए जो इस जो है इंडस्ट्री को चेंज कर दे। जैसे साउथ इंडस्ट्री ने बहुत ही बार जो है अपने फिल्म बनाया, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे कंटेंट लाया, जो कि अभी साउथ इंडिया का जो फिल्म है, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे जो है पूरे देश भर में इस फिल्म को देखा जाता है, तारीफ किया जाता है, कोई भी ट्रेलर आता है उसे देखते हैं। लेकिन जो ओडिया इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वो कुछ सिनारियों कुछ अलग है। यहाँ पे लोग अभी भी नहीं जानते हैं, अभी भी जो है इतना बड़ा आगे नहीं गया है फिल्म इंडस्ट्री, और अभी भी बहुत सारे काम करना बाकी है। तो ऐसा ही कुछ जो एक फिल्म है, फिल्म का नाम है भाई। तो इस फिल्म का ट्रेलर जो है लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी तक ट्रेलर नहीं आया है। इस फिल्म का टीज़र आया था एक साल पहले, जो है 2022 में ही आया था वहीं पे। तो यहाँ पे 2023 भी चला गया, लेकिन बस 23 के बीच में ही एक ग्लिम्स आया था, लेकिन अभी तक कोई भी टीज़र ट्रेलर हमें पोस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया, या फिर फिल्म का कोई बड़ा प्रमोशन हो, चाहे कभी भी हो आ जाए, लेकिन फिल्म अच्छा बनना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वक्त है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए।